पहला नाम आंचल है, दूसरा नाम सोनकर है, श्वेता पहला नाम है, दूसरा पांडे है, तो दोनों को एक साथ करना है। तो एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। क्या है कॉनकैटिनेट? देखो ये कॉनकैट आ रहा है, दूसरा कॉनकैटिनेट आ रहा है, तो पहले हम लोग कॉनकैटिनेट देखते हैं। तो ये कॉनकैटिनेट हो गया, सिंटेक्स में क्या दे रहा है, टेक्स्ट वन, तो टेक्स्ट वन ले लिया, फिर कॉमा दिया गया है सिंटेक्स में, तो हम भी कॉमा दे देते हैं, यहाँ टेक्स्ट टू ले लेते हैं और इसको बंद करके एंटर करते हैं, तो ये दोनों एक साथ हो गया है, हो गया, आ गया ना। अब कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि हम ये नहीं चाहते कि बीच में गैप भी आए, ये भी चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कॉमा के बाद एक डबल इंटेड कॉमा लगाना है, एक सिंगल इंटेड कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगा करके और फिर एंटर कर देना है, तो यहाँ पे गैप भी आना शुरू हो जाएगा। और ये बार बार करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने कर दिया, इसको ड्रैग करा दीजिए, सबका आ जाएगा। आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत? अभी तो कॉनकैट बताए हैं, कॉनकैटिनेट बताए हैं ना, कॉनकैटिनेट, लेकिन अभी कॉनकैट बताने जा रहे हैं। एक तो कॉनकैटिनेट हो गया, अब ये कॉनकैट आपको एक्सेल 365 में मिलेगा, नहीं तो ऑफिस 2021 में मिलेगा, ठीक है, 2019, 2016 इन सब में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, कॉनकैट फॉर्मूला, कॉनकैटिनेट तो लगा लिया, आप कॉनकैट लगाते हैं, तो ये कॉनकैट लगाने के बाद यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करो सीधा और बंद करके एंटर करो, सीधा कॉनकैट लग गया, आंच और सोनकर एक साथ आ गया कि नहीं, देखो आ गया ना, सब आ गया एक साथ, समझ आया। कॉनकैटिनेट का जब हम लोग यूज कर रहे थे तो ऐसे ही यूज कर रहे थे, ये तो कॉनकैट हो गया, कॉनकैटिनेट कैसे यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का निशान लेके फिर यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर रहे थे, ये नीचे वाला कॉनकैटिनेट है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो क्या ये आएगा, तो देखो ये आंचल और सोनकर दोनों को अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है, कर रहा है ना, जैसे दिया गया है। अगर मैं इसको देखो, मैं फिर करके दिखाता हूँ, देखो इन दोनों को हटा रहा हूँ, ये हटा दिया, और फिर देखो यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अगर मैं कॉनकैट के जैसे, जैसे कॉनकैट में होता था, जैसे कॉनकैट में क्या होता था, ये कॉनकैट लगाया, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो दोनों एक साथ आ जाते थे। लेकिन अगर कॉनकैटिनेट में हम इस तरीके से करना चाहें, तो ये देखो ये कॉनकैटिनेट हो गया, अब कॉनकैटिनेट में ये करके देखता हूँ, तो ये कॉनकैटिनेट इस तरीके से जाएंगे, अब इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखो दोनों अलग अलग हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। लेकिन लेकिन हम ऐसा अगर करें कॉनकैटिनेट में, देखो कॉनकैट तो देख लिया, कॉनकैटिनेट भी देख लिया, लेकिन देखो अंतर क्या पड़ा दोनों में। इस बार हम क्या करते हैं, कॉनकैटिनेट लेते हैं, अब अलग अलग लेते हैं, एक बार इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, अब क्या करिया, बंद किया, एंटर किया, तब दोनों एक साथ हो जा रहा है, लेकिन एक ही बार में सेलेक्ट करने पे दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ में।